सभी को श्री हरिदास घटा छटा नक्श पुट है सावर गौर विलास घन प्रगट और असरीति को जय जय श्री हरिदास। पिछले वीडियो में आपने जाना कि स्वामी जी का जन्म क्यों हुआ, वह पंच ऋषियों ने किस प्रकार से अनंत काल तक तपस्या की और फिर उन्हें नित्य विहार का जो मार्ग था वह दिखा, या कहा जाए नित्य विहार का जो उपदेश था वह प्राप्त हुआ। जब उन्होंने नारद जी द्वारा गोपाल मंत्र का जप किया और ललिता सखी जी के उन्हें दर्शन हुए, उसके पश्चात आगे क्या लीला हुई, इसी विषय में आज की चर्चा में प्रवेश करें। उसी के साथ आचार्य वाणी द्वारा मंगलाचरण करते हुए कि स्वामी जी का प्रातक्य कब हुआ, हम सब मिलकर इस बधाई महोत्सव में प्रवेश करें कि ललित प्रिय हरिदास जू नित्य केल सुख दानी कुंज बिहार निलाडली प्रगति रस की खानी। जिस समय पंच ऋषियों को ललिता सखी के दर्शन हुए, उस समय पंच ऋषियों के मन में अलग अलग भाव प्रकट होने लगे, किसी के हृदय में बात्सल्य रस प्रकट होने लगा तो किसी के हृदय में माधुर्य रस प्रकट होने लगा। आचार्य सखी तो सबके मन के भाव जानती थी और उन्होंने जब उनसे वरदान मांगने को कहा तो पंच ऋषियों ने सहचरी से प्रार्थना की कि हे सखीजू, हमें बिहारी बिहारिन का जो नित्य विहार है, जो नित्य सुख है, वह प्राप्त हो और हमारे मन में जो भाव है, कृपया आपसे कुछ भी वंचित नहीं है, आप उन्हें पूर्ण करें, हम पर कृपा करें। ऐसी आचार्य सखी के चरणों में जब पंच ऋषियों ने प्रार्थना की, तब आचार्य सखी ने पंच ऋषियों को आदेश दिए कि आप लोगों का जब ये शरीर जो आपने अभी धारण किया हुआ है, जब ये शांत हो जाएगा, उसके पश्चात आपका जो नया जन्म होगा वह श्रीधाम वृंदावन में होगा और तभी मैं आपके मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपको नित्य विहार का सुख एवं आपके हृदय में जो भाव प्रकट हुए हैं उनको पूर्ण करने के लिए धराधाम पर जन्म लूंगी। ऐसा कहकर ललिता सखी अंतर ध्यान हो गई और कली काल में श्रीधाम वृंदावन के निकट रजपुरा ग्राम में उन पांचों ऋषियों का जन्म हुआ जो गंगाधर जी और गुरुजन जपना भगना भीला थे। गंगाधर जी की पत्नी चित्रा माता जो चित्रा जी थी वह थी, एवं गुरुजन जी थे वह चित्रा माता के भाई थे और उन गुरुजन जी के एक पुत्र थे श्री विट्ठल देव जू। और इस प्रकार से विट्ठल देव जू भी कहा जाता है कि उस निकुंज की सखी ही थे। ये सारी लीला सिर्फ आचार्य सखी का धराधाम पर प्रकट होने से पूर्व ही बन गई थी। जिस प्रकार जब ठाकुर जी का धराधाम पे प्राकट्य हुआ, उससे पूर्व ही जितने भी उनका परिकर था वह तो ठाकुर जी से पूर्व ही धराधाम पर अवतरित होता है। ठीक इसी प्रकार आचार्य सखी का प्राकट्य होने से पूर्व जो उनके संग और जो उनकी भूमिका थी उन सभी का प्राकट्य हुआ और वह तिथि वह बार जिसका सभी को श्रीधाम वृंदावन में इंतजार था कि कब हमारे श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य होगा। ऐसी स्थिति में भादो मास शुक्ल पक्ष संबत 1537 की वह दिन जिस दिन ब्रज लीला में श्री लाडली जू का प्राकट्य हुआ था, चारों ओर श्रीधाम वृंदावन में एक अद्भुत रस की अनुभूति प्रत्येक ब्रजवासी को हो रही थी, क्योंकि उस दिन किशोरी जू के प्राकट्य की मंगल बधाई गायन चल रहा था। दोपहर का समय मानो वृंदावन में बहने वाली हवा एक आज अलग ही सुगंध सब में दे रही हो।
यमुना जी की धारा मानो एक अलग ही शीतलता, कहा जाए तो संपूर्ण वातावरण मानो आज नवीन, ऐसा जैसे कोई निधि प्रकट होने वाली हो, इस भांति तैयार था। प्रकृति स्वामी जी के महोत्सव के लिए और उनके स्वागत के लिए मानो आज श्री वृंदावन भुजा पसारे खड़ा हो कि आज वृंदावन का गौरव बढ़ाने वाले जो श्री आचार्य सखी हैं, जिन्होंने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया, आज वह धराधाम पर अवतरित होने वाली हैं और उसके पश्चात श्री गंगाधर जी के घर पर भी किशोरी जी के जन्म की मंगल बधाई गाई जा रही थी। दोपहर का समय माता चित्रा के गर्भ में अचानक कुछ पीड़ा होने के कारण वह अपने विश्राम गृह में चली गई। कहा जाता है कि उस समय स्वयं बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती भी कैलाश पर्वत से ब्रजवासियों का रूप धारण कर श्री धाम वृंदावन में चित्रा माता के सन्मुख पधारे, क्योंकि जब भी किसी प्रभु का किसी भी रूप में अवतार होता है या किसी भी लीला का वर्णन होने वाला होता है तो स्वयं भोलेनाथ सब प्रथम पधारते हैं। ब्रज लीला में भी ठाकुर जी के दर्शन करने शंकर भगवान अनेकों बार आए। महाराष्ट्र के समय में भी भोले बाबा गोपेश्वर के रूप में श्रीधाम वृंदावन में पधारे और आज इसी भांति जब आचार्य सखी का प्राकट्य प्रारंभ हुआ, प्राकट्य होने वाला था, उस समय बाबा भोलेनाथ माता पार्वती के साथ कैलाश छोड़कर श्रीधाम वृंदावन में ब्रजवासी का भेष बनाकर आए और वह विट्ठल विपुल देव जी उन्हें जानते थे क्योंकि वह तो खुद निकुंज की सहचरी थे। ऐसे में भोले बाबा को देखकर मुस्कुराने लगे और वह तीनों लोग चित्रा माता के विश्राम गृह में गए और वहां पर दोपहर के समय आचार्यों ने बताया एवं वाणियों में लिखा हुआ है, इसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यदि आप वेद शास्त्रों में इसे ढूंढेंगे तो आपसे सर्वप्रथम वीडियो में कहा है कि रसिक अनन्यन को पथ बाको जा पथ को पथ लेत महामुनि मूदत नैन रहे नित नाको, कि इस पथ का भेद तो वेद ले ही नहीं पाए, इसलिए वेदों में इसका कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि यह तो निकुंज का वह रस था, श्री कृष्ण के हृदय का वह रस था जो श्री कृष्ण जब ले रहे थे तो नारद जी के मन में संचय हो गया, तो हम जैसे जीवों का क्या सामर्थ्य कि हम इस गुप्त रीति को पहचान पाए। तो आचार्यों की कृपा एवं वाणियों का आश्रय कि हमें लीला दर्शन हुआ एवं संतों की वाणी के माध्यम से स्वामी जी के प्राकट्य के बारे में पता चला कि हमारे आचार्य का प्राकट्य कैसे हुआ। तो उस समय दोपहर का समय था और भोलेनाथ एवं माता पार्वती और श्री विट्ठल विपुल देव जू चित्रा माता के विश्राम गृह में प्रवेश कर गए और बाहर द्वार पर किशोरी जू के बधाई चल रही थी। संपूर्ण ब्रजमंडल में बरसाने में क्या, किशोरी जू का प्राकट्य उस समय जो समय था वह वही था और चारों तरफ मानो मंगल बधाइयों का गायन। कहा जाए तो स्वामी जी के आने से पूर्व उनके स्वागत की तैयारी थी। ऐसे में चित्रा माता का शरीर अचानक ही स्वर्ण के समान तेजमान होने लगा और आचार्य सखी श्री विट्ठल विपुल देव जू एवं ब्रजवासी का भेष धर जो बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती आए थे वह उसका दर्शन कर रहे थे। उस समय चित्रा माता के अंग से एक कन्या प्रकट हुई जिसकी उम्र 16 से 17 साल के मध्य की होगी। नव युवती नव कन्या मानो उसका तेज करोड़ों सूर्यों के तेजों को फीका कर देने वाला हो, ऐसी कन्या का दर्शन कर रहे और उस कन्या के शरीर में श्री अंग में मानो श्री धाम वृंदावन का दर्शन हो रहा हो और निज वृंदावन का दर्शन कराने वाली बह सखी कोई और नहीं स्वयं ललिता महारानी थी जो स्त्री अंग से उस समय लीला में प्रकट हुई और उन्होंने साक्षात निज वृंदावन के दर्शन अपने श्री अंग में कराए। उनके श्री अंग में निज वृंदावन के दर्शनों के साथ
उस वृंदावन में बिहारी बिहारिन भी बिहार कर रहे थे और जो ललिता महारानी अपने श्री अंग में इसका दर्शन करा रही थी वह उसके अंदर विराजमान होकर भी मानो बिहारी बिहारिन को लाड लड़ा रही हो, ऐसी रूप माधुरी का दर्शन करते हुए मानो आचार्य वाणियों ने जो अपनी वाणी में बधाई के पद गाए हैं, एक एक वाणी में ऐसा मर्म छुपा हुआ है। ये सिर्फ गायन करने के लिए ही नहीं अपितु अगर इसे धारण किया जाए तो हमें स्वामी जी के प्राकट्य की जो लीला है वह भी पता चलती है। आचार्य चरणों ने मंगला चरण में कहा और जो बधाई के पद थे उसमें कहा कि रसिकवर प्रगटे ललित उदार बरसत घन जो अति आनंदई महाप्रेम सुखसार रसिकवर प्रगटे ललित उदार जो साचो सन्मुख भयो कोई दीनो नित्य विहार रसिक भर प्रगटे ललित उदार श्री दास बिहारिन अंगसंग राजत छिन छिन प्रीति अपार रसिक भर प्रगटे ललित उदार कि मानो आज जिस प्रकार घन बरसता हो उस प्रकार आनंद बरस रहा है महासुख का और वह निज सुख का जो श्री कृष्ण को भी आनंद देने वाला हो, ऐसी आचार्य सखी सुख बरसा रही हैं और अपनी दिव्य छटा का दर्शन उन सबको करा रही थी और कहा जो साचो सन्मुख भयो को तो दीनो नित्य विहार। यहाँ पर यह पंक्ति मुझे अत्यंत प्रिय लगी कि साचा सन्मुख अर्थात जो अनन्य भाव से जिसके मन में अन्य किसी भाव की मिलोनी ना हो, जो बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपनी अनन्यता को धारण करते हुए कि जो साचो सन्मुख भयो को कि जो भी साचा जो अनन्य होकर श्री स्वामी जी के सन्मुख आचार्य सखी के सन्मुख खड़ा हुआ उसे स्वामी जी ने क्या प्रदान किया तो दीनों नित्य विहार रसिक वर प्रगटे ललित उदार कि स्वामी जी तो नित्य विहार को प्राप्त कराने के लिए ही धरा धाम पर पंच ऋषियों को नित्य विहार प्राप्त तो इसलिए प्रकट हुए और उनको माध्यम बनाकर हम जैसे अनेकों जीवों को स्वामी जी ने उस रस का मार्ग खोल दिया। ऐसे श्री आचार्य चरण का प्राकट्य ललिता सखी रूप में आचार्य चित्रा माता जी को एवं विट्ठल देव जी को और भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी को समय हुआ उस कक्ष में और वह दर्शन होने के पश्चात जब वह प्रकाश पुंज शांत हुआ उसके पश्चात वह सखी एक छोटे बालक के रूप में एक जो बालक जन्म लेता है ऐसे रूप में अब बनकर श्री माता के निकट लेट गई और रुदन करने लगी और आचार्यों ने बाहर सब में हल्ला काटा, मतलब आचार्यों ने बाहर जाकर इस बात को विट्ठल विपुल देव जी ने बताया कि माता के समीप एक पुत्र लेटे हुआ है। तभी सब लोग जो पंच ऋषि थे वह समझ गए कि स्वामी जी का प्राकट्य हो चुका है, आज मानो संपूर्ण वृंदावन में बधाइयों की लाइन लग गई हो। सारे ब्रजवासी श्री गंगाधर जी के दरवाजे पर आकर मंगल बधाई गाने लगे। आप सभी को भी श्री स्वामी जी के महामहोत्सव श्री स्वामी जी के प्राकट्य की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो। इसी सब बधाई गायन के साथ श्री विट्ठल विपुल देव जी के साथ पांचों ऋषि श्री निधवन राज में अपने गुरुदेव आसुदेव देव जी जो निम्बार्क परंपरा से एवं गिरिराज जी के अवतार माने जाते हैं उनके सम्मुख गए और गुरुजन जी ने उन्हें बताया कि हे गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे घर में एक बालक का जन्म हुआ है। ऐसा सुनकर श्री आसुदेव देव जी निधवन राज से दौड़ते हुए श्री गंगाधर देव जी के घर में पहुंचे। वहां उन्होंने जो गंगाधर देव जी थे उन्होंने पंच ऋषियों ने अपने गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया, उनके चरण प्रक्षालन किए और चित्रा माता ने उस बालक को श्री गुरुदेव जी के चरणों में रख दिया और गुरुदेव जी ने बिना किसी क्षण गवाए तुरंत उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगाया, मानो कि आज जो निधि ठाकुर जी को भी सुख देने वाली हो वह गुरुदेव श्री आसुदेव देव जी के हृदय से लगी हुई थी और वह अति आनंद में भरकर
उनके रूप माधुरी का पान कर रहे थे, क्योंकि वह जानते थे यह तो वह निधि है, यह तो वह आचार्य सखी है जो धराधाम पर नित्य विहार को प्रकट करने के लिए ही प्रकट हुई है। इन पंच ऋषियों का माध्यम बनाकर संपूर्ण विश्व को, रसिकों को एवं रसिक अनन्यों को वह रस रीति का दर्शन कराने के लिए प्रकट हुई है। गुरुदेव ने उस बालक के सिर पर हाथ फेर कर उन्हें कंठी प्रदान की व अपना प्रसादी वस्त्र, जो अंग प्रसादी थी, वह पहनाई। इसके पश्चात वह चित्रा माता के गोद में विराजमान कर उनसे कहा कि यह हमारो ही बालक है, आप इनकी सेवा करो और सुख का आनंद लो। इस प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज का प्राकट्य हुआ श्रीधाम वृंदावन में, रजपुरा गांव में। और जो स्वामी जी से प्राकट्य से पूर्व जिस अष्टमी को राधा अष्टमी कहा जाता था, जिस अष्टमी को किशोरी जी के प्राकट्य के नाम से बनाया जाता था, उस अष्टमी को आज श्रीधाम वृंदावन में रसिकों ने बताया कि रस निधि स्वामी अष्टमी आई, भादो शुक्ल पक्ष रसिकन हित ललित केली संग लाई। रस निधि स्वामी अष्टमी आई, साधुन के अनुराग भयो अति प्रेम बढ़ो अधिकाई। रस निधि स्वामी अष्टमी आई, श्री हरिदास रसिक बर प्रगटे गौर श्याम सुखदाई। के रस निधि स्वामी अष्टमी आई, कि स्वामी अष्टमी आई, कि हमारे स्वामी जी के प्राकट्य की जो अष्टमी आने वाली है उसे आचार्यों ने राधा अष्टमी तो है ही, साथ ही उसे स्वामी अष्टमी भी कहा है। ऐसे अनेकों बधाई गायन के पद आचार्यों ने वाणी में गायन किए और संपूर्ण ब्रजमंडल ने स्वामी जी का मानो आज ऐसे स्वागत किया हो। सजीव से लेकर निर्जीव तक जो थे धराधाम पर, वृंदावन की भूमि पर विराजमान, आज मानो सभी स्वामी जी के दर्शन कर स्वामी जी का संग प्राप्त कर धन्य हो रहे हो। ऐसे श्री आचार्य महोत्सव के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत 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 मंगल बधाई। साथ ही आप लोगों को एक बात और बता दूं कि स्वामी जी ने पंच ऋषियों को नित्य विहार का मंत्र कैसे प्रदान कराया और उन्हें नित्य विहार का सुख कैसे प्राप्त हुआ, इसी सब के साथ चर्चा में अगली वीडियो में आप सभी से मुलाकात होगी। आप सभी को मेरा श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।